शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के निर्देशानुसार जनपद में कोरोना से हुई शिक्षकों की मौत के बाद उनके परिजनों को विभाग में नौकरी देने के संबंध में चर्चा की गई। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने कोरोना के कारण हुए शिक्षकों की मौत के बाद प्रदेश सरकार द्वारा उनके परिजनों को नौकरी और आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए संबंधित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें अविलंब शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। हमारे सर हमारे यहाँ 34 गेस्ट हैं और 34 गेस्ट से सर नियुक्ति अभी साथ हुई है, 12 पात्र हैं और हमारे पास 9 पत्रावली प्राप्त हो गई है। मतलब आशीष की नियुक्ति तो आप बताइए तो ये पेमेंट कितने में होंगे? ठीक है, और उसे नियुक्तियाँ सर 7 फीट की, 9 पत्रावली हमारे पास आ गई है, 12 पात्र है, 83 से यहाँ आ गई है, 6 शीट रह गई है, 2 मंडे को आ जाएगी और 4 ट्यूजडे में आ जाएगी। मैं 2 पात्र बताया था, हमने 12 को होता है। 12 पात्र, 12 पात्र, 6 रह गया, 6 मंडा और मंगा रहे हैं। जी सर, ठीक है, तो जल्दी करा लीजिए। जी ठीक है, थैंक यू सर। वारंटीपुर में ही पुलिस कोविड की संख्या बढ़ी है, बाई में वो जो है मिस हो गया था, तो 77 की संख्या मानी जाए सर, 35 दी गई थी तो 2 बढ़े हैं सर। ओ 2 की संख्या बढ़ी है, नहीं मृतक आसिफ में नियुक्ति सर।